महाराष्ट्र राज्य के सोयाबीन उत्पादक किसान परेशान हैं। सोयाबीन की कीमतों में तेजी से आई गिरावट के चलते किसानों की चिंता बढ़ गई है। कई जिलों में एक सप्ताह में सोयाबीन के भाव में 900 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वर्तमान में सोयाबीन 4600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। किसान कीमतों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन सोयाबीन की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव से किसान असमंजस की स्थिति में है। इसीलिए जानकारों ने किसानों से बाजार की समीक्षा कर सोयाबीन बेचने की सलाह दी है। दरअसल पिछले सप्ताह नंदुरबार जिले में किसानों ने खरीफ सीजन में सोयाबीन की बड़े पैमाने पर बुआई की। ज्यादातर जगहों पर किसानों ने सोयाबीन की फसल काट ली है और कटी हुई सोयाबीन अब बिक्री के लिए नंदुरबार मार्केट कमेटी में आ रही है। लेकिन सोयाबीन की कीमतों में गिरावट के चलते किसान अब सोयाबीन का स्टॉक करने का भी सोच रहे हैं। नंदुरबार बाजार समिति पिछले सप्ताह सोयाबीन का भाव 5,474 रुपए क्विंटल था। वहीं अभी इस हफ्ते में सोयाबीन की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। वर्तमान में सोयाबीन का भाव 4600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा है। कीमतों में करीब 900 रुपए की गिरावट ऊपरी स्तरों से आ चुकी है। सोयाबीन के भाव में अचानक 900 रुपए की गिरावट से नंदुरबार समिति में सोयाबीन की आवक भी घटी है। मौजूदा समय में ऐसा लग रहा है कि किसान तब तक सोयाबीन को बाजार में बेचने के लिए नहीं लाएंगे जब तक सोयाबीन का अच्छा दाम नहीं मिल जाता। नंदुरबार जिले में 25,326 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल बोई गई थी। सोयाबीन का दाम कम मिलने से किसानों ने नाराजगी जताई है और दाम गिरने से किसान सोयाबीन बेचने से फिलहाल मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।